वही कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र ग्राम हिरवारा में अज्ञात युवकों द्वारा सराफा व्यवसायी के साथ ही लूट की गई कुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विगत दिनों अज्ञात आरोपियों ने सराफा व्यवसायी के रास्ता रोककर थैले में रखे जेवर और नकदी धराधमक कर लूट लिए थे, साथ ही लूट के बाद आरोपी फरार हो गए थे। वही इस लूट की वारदात के बाद सराफा व्यवसायी कृष्ण कुमार सोनी ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर पकड़ने में सफलता हासिल की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 18 जून को लगभग 7 बजे पुलिस के पास ये सूचना आई थी कि ग्राम हीरापुर कोरिया के रहने वाले फरियादी के साथ हीरापुर कोरिया से बरखेरा जाने वाले रास्ते पे कुल मिलाकर के 6 लोगों के द्वारा लूट की घटना की गई है। और इस दौरान जो है उसके पास एक बैग जिसमें कि सोने चांदी के जेवरात और लगभग 2 लाख रुपए नकद थे, वह आरोपियों के द्वारा लूटा गया है। घटना बेहद सनसनीखेज थी और पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, और इसके कारण से हमने इसमें अलग अलग टीमें बनाई। सीनियर अधिकारी हैं माइक 2 डहरिया जी, CSP ख्याति, और हमारा जो माधवनगर के हमारे TI साहब हैं, इनके नेतृत्व में हमने अलग अलग टीमें बनाई और इनके सहयोग के लिए भी बहुत सारा फोर्स हमने दिया। और लगातार इसमें हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किए गए। तो कुल मिलाकर के हमने इसमें जो अन्वेषण किया उससे ये चीज़ स्पष्ट हुई कि घटना में 7 लोग शामिल थे। पुलिस ने एक एक करके सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटा गया सामान जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये है उसको भी बरामद किया है।